मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने कई मंत्रियों से इस्तीफा ले सकते हैं। जी हां, और ये संकेत कमलनाथ द्वारा सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र के बाद मिले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश सरकार कैबिनेट विस्तार कर सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की कथित कोशिशों पर विराम लगाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्द ही कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। इसके लिए वह कुछ मंत्रियों से इस्तीफा लेकर नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। इसके संकेत कमलनाथ द्वारा यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र से मिले हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रदेश के बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कोटे से दो दो मंत्रियों की संख्या कम कर दें तो 6 पद खाली हो जाएंगे। इनके एवज में निर्दलियों को मंत्री बना दिया जाए। इससे भाजपा द्वारा सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों पर रोक लगाई जा सकती है। पत्र में ये भी कहा गया है कि यद्यपि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। सरकार में 28 मंत्री हैं। अभी 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है, लेकिन मुख्यमंत्री इन पदों को भविष्य के लिए खाली रखना चाहते हैं। मंत्रिमंडल में अभी सबसे ज्यादा 10 मंत्री कमलनाथ कोटे से हैं, जबकि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से 7-7 मंत्री हैं। विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के 114, भाजपा के 108, 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा से विधायक है। मुख्यमंत्री ने अपने शुरुआती मंत्रिमंडल विस्तार में ही चौथी बार के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था, जिससे सरकार के समर्थन में 115 विधायक हो गए हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक मूलतः कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन वे टिकट न मिलने से बागी होकर निर्दलीय होकर चुनाव लड़े थे। ये विधायक सुरेंद्र सिंह ठाकुर, केदार डाबर और विक्रम सिंह राणा हैं। सपा के इकलौते विधायक राजेश शुक्ला और बसपा से संजीव कुशवाहा और रामबाई हैं। इनमें से 5 को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भाजपा विधायक गुमान सिंह डामोर के लोकसभा सांसद चुने जाने से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए झाबुआ विधानसभा सीट रिक्त है। इस सीट के लिए अभी उपचुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।